दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान GK जिसमें इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की एक नई श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसमें आपको प्रतिदिन 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, आप बने रहिए हमारे साथ में। तो प्रारंभ करते हैं सीरीज को। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किसकी गिनती राजस्थान के 5 पीरों में नहीं होती है? दोस्तों, जो 5 पीर बताए गए हैं उनमें से कौन से लोक देवता है वो इसमें शामिल नहीं है? गोगा जी, रामदेव जी, मल्लीनाथ जी, हड़बू जी। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो पीर कहते किसे, मतलब कि जिस लोक देवता की पूजा हिंदू भी करते हैं और मुसलमान भी करते हैं उसे है वो पीर कहा जाता है। तो इसमें है वो मल्लीनाथ जी शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। पंच पीरों में पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मांगलिया मेहा जी और गोगा जी शामिल हैं, लेकिन मल्लीनाथ जी इसमें शामिल नहीं हैं। अगला प्रश्न, किस लोक देवता को सर्प ने अपने जीव पर डसा था? मल्लीनाथ जी को, कल्ला जी को, पाबू जी को, तेजा जी को। दोस्तों, वह लोक देवता जिसको है वो सर्प ने जीव पर डसा था, तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 तेजा जी होगा। क्योंकि तेजा जी जब लाछा गोजरी की गायों को छुड़ाने के लिए जा रहे थे तभी उन्होंने रास्ते में आग में जलते हुए सर्प को देखा और उन्होंने वो इसे बचा लिया, लेकिन सर्प ने कहा कि मुझे वो आपने बचा करके गलत किया है। तो फिर इन्होंने वो सर्प से वादा किया था कि मैं वो जैसे ही गायों को छुड़ाकर वापस आ जाता हूँ तब वो वापस आपसे मिलूँगा, उस समय आप वो मेरे को डस लेना। तो उस समय तेजा जी वो युद्ध में थे, तो फिर वो बहुत ही घायल अवस्था में थे। फिर वो सर्प ने कहा कि आप इतने घायल हो, फिर आप शरीर पर कोई डसने का स्थान भी नहीं है। तो फिर तेजा जी ने वो अपनी जीभ निकाली और जीभ पर वो सर्प ने डसा था, और जीभ पर जब सर्प डसा था वो स्थान था सुरसरा, जो कि अजमेर ज़िले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा लोक देवता शेष नाग का अवतार माना गया है? कल्ला जी, वीर तेजा जी, पाबू जी राठौड़, देव नारायण। तो दोस्तों, कल्ला जी को शेष नाग का अवतार माना गया है। इन्हें वो 4 हाथ वाले लोक देवता भी कहते हैं। इन्होंने वो अकबर से युद्ध में जब लड़ रहे थे उस समय जब जयमल घायल हो गए थे तो उनको वो अपने कंधों पर बिठा करके ये युद्ध लड़ रहे थे, इस कारण इन्हें वो 4 हाथ वाले लोक देवता की संज्ञा भी दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, महिलाएं नथ धारण करती है, नथ एक साथियों एक प्रकार का आभूषण है, ये कहाँ पहना जाता है? गले में, अंगुली में, अंगूठे में, नाक में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 नाक होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण सिर का नहीं है? इस प्रकार के प्रश्नों में आपको ध्यान रखना होता है पूछ रहा है या नहीं है पूछ रहा है। तो इसमें कौन सा आभूषण है वो सिर का नहीं है? बोरला, टिकड़ा, रखड़ी, गोखरू। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 गोखरू इसका सही जवाब होगा। क्योंकि ये जो गोखरू नामक आभूषण होता है ये वो कलाई में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आदिवासियों द्वारा पहने जाने वाला सबसे प्राचीन वस्त्र कौन सा है? नांदना, कटकी, लुगड़ा, चूनड़। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 नांदना होगा। ये आदिवासी महिलाओं का वो प्राचीन वस्त्र है। इसमें वो नीले रंग की छीट लगी हुई होती है और ये मांडलकट भीलवाड़ा का प्रसिद्ध माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, चौंप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? गर्दन, कलाई, मस्तक, नाक। तो दोस्तों, जो चौंप नामक जो आभूषण है ये आपका पहना जाता है नाक में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। और एक दोस्तों और आभूषण होता है जिसे हम वो चूंप कहते हैं। तो
तो ये जो चूंप नामक आभूषण है ये आपका पहना जाता है दांत में। दांत के चार महत्वपूर्ण आभूषण हैं जिसमें चूंप, रखन, धौंस और मेख, ये चार आभूषण दांत के हैं। लेकिन ये जो चोंप नामक आभूषण है ये नाक में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही, शाहजनाही, ये सब है। कैथुन में साड़ी बनाने की विधाएं हैं। पैलेस ऑन वहील में उपल रजवाड़ी शराब के प्रकार। महिलाओं के लिए हीरे जड़ित नवलखा हार की किस्में। राजस्थानी पगड़ियों की शैलियां हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर चौथा होगा, ये राजस्थान में जो अलग अलग प्रकार की पगड़ियां हैं उनकी शैलियां हैं। अगला क्वेश्चन है, तंग मोरखा गोरबंद पिलाण है। घोड़े के श्रृंगार की सामग्री, छकड़े से संबंधित वस्तुएं, ऊंट की सजावट की वस्तुएं, खेजड़ी व बड़ पूजन सामान। तो दोस्तों ये तंग मोरखा गोरबंद पिलाण ये ऊंट की सजावट के सामान हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही जवाब होगा। गोरबंद आपने सुना होगा, जो गोरबंद नामक एक गीत भी प्रचलित है, और गोरबंद है वो ऊंट के गले का एक प्रकार से सजावटी सामान भी है। अगला क्वेश्चन है, मुर्गियाँ पहनी जाती है गला में, नाक में, कान में, हाथ में। तो दोस्तों जो मुर्गिया नामक जो आभूषण होता है ये है वो कान में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है, तगड़ी पहनी जाती है गले में, हाथ में, कमर में, पैर में। तो दोस्तों ये आज की श्रृंखला में बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, अधिकतर है वो आभूषणों से ही संबंधित है। तो ये जो तगड़ी नामक आभूषण है ये कमर में पहना जाता है और इसको है वो सटको भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है? लहरिया, जोधपुरी कोट पैंट, शरारा, अंगरखी। तो दोस्तों जोधपुरी कोट पैंट है जो कि जोधपुर का बंद गले का कोट है, और जो पैंट है इसको है वो राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्रीय पोशाक है उसका दर्जा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, अंगरखी का ग्रामीण भाषा में नाम है जामा, नानड़ा, बुगतरी, तिलका। तो अंगरखी को दोस्तों ग्रामीण भाषा में बुगतरी कहते हैं। अंगरखी में है वो जो बटन लगे हुए होते हैं वो है वो एक प्रकार से कपड़े की गांठों से बनाए जाते हैं। जामा ये पायजामे से ऊपर शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाला वस्त्र है। तिलका मुस्लिम महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऊन का बना वस्त्र जो सर्दी या वर्षा से बचाव हेतु पुरुषों द्वारा ओढ़ा जाता है, पटका, घूंगी, अंगरखी, अचकन। तो ऑप्शन नंबर दूसरा घूंगी इसका सही जवाब होगा। ये एक प्रकार से ऊन का वस्त्र होता है जो सर्दी या वर्षा से बचाव हेतु पुरुषों द्वारा ओढ़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंठी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? गले में, सिर पर, ललाट पर, नाक में। दोस्तों जो कंठी नामक आभूषण है ये है वो गले में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, राजपूत समाज में युद्ध में जाते समय किस विशेष रंग की पगड़ी योद्धाओं द्वारा पहनी जाती थी? लाल रंग की, पीले रंग की, मिश्रित रंग की, केसरिया रंग की। तो दोस्तों जो राजपूत समाज में जो राजपूत लोग जब युद्ध में जाते थे तो उस समय है वो केसरिया पगड़ी पहनी जाती, और ये पगड़ी है वो त्याग की प्रतीक मानी जाती, शौर्य की प्रतीक मानी जाती थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असुमेलित की पहचान करो। राजस्थान का दूसरा ताजमहल अबली मिनी का महल, राजस्थान का दूसरा हवा महल खेतड़ी का हवा महल, राजस्थान का ताजमहल आगरा, रूठी रानी का महल तारागढ़ की महल। तो दोस्तों इसमें हम असुमेलित की बात करें तो ऑप्शन नंबर तीसरा राजस्थान का ताजमहल इसका सही जवाब होगा, क्योंकि राजस्थान का ताजमहल आगरा में न होकर जसवंत थड़ा जो कि जोधपुर में है वहां पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है? शेरगढ़ दुर्ग, कोटा दुर्ग, भैंसरोड़गढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग। तो साथियों जो भैंसरोड़गढ़ दुर्ग है इस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है, राजपुताना की चाबी किस दुर्ग को कहा जाता है? चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़, आमेर, तारागढ़, अजमेर। तो दोस्तों, जो राजपुताना की चाबी या फिर राजपुताना की हम है वो इसे कुंजी भी कह सकते हैं, तो ये है वो आपका तारागढ़ अजमेर को माना जाता है, क्योंकि अगर कोई भी आक्रमणकारी इस किले पर है वो कब्जा कर लेता है तो है वो पूरे राजपुताने पर कब्जा कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, बनी ठनी चित्र किस स्कूल से संबंधित है? मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, हाड़ोती स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल। तो दोस्तों, जो बनी ठनी चित्र शैली है ये है वो आपकी मारवाड़ स्कूल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, ढोला मारू चित्र किस शैली का है? बीकानेर चित्रशैली, जोधपुर चित्रशैली, जयपुर चित्रशैली, किशनगढ़ चित्रशैली। तो दोस्तों, जो ढोला मारू चित्र है ये आपका जोधपुर चित्रशैली का प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर दूसरा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, ऊंट की खाल पर चित्रों का अंकन किस शैली की विशेषता है? जैसलमेर शैली, नागौर शैली, बीकानेर शैली, मारवाड़ शैली। तो दोस्तों, ऊंट की जो खाल पर चित्रकारी की जाती है ये आपकी बीकानेर शैली की प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही जवाब होगा। इस शैली के जो भी कलाकार हैं जो ऊंट की खाल पर कलाकारी करते हैं उसमें हिसामुद्दीन उस्ताद है वो प्रमुख हैं, और इस कला में जो भी कारीगर होते हैं उनको है वो उस्ताद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोवर्धन लाल बाबा किस उपनाम से जाने जाते हैं? भैंसों के चितेरा, भीलों के चितेरे, गरीबी के चितेरे, या फिर तंजोर शैली के चित्रकार। तो दोस्तों, जो गोवर्धन लाल बाबा है इनको है वो भीलों का चितेरा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, मूमल चित्र किस चित्रशैली का है? बीकानेर चित्रशैली, किशनगढ़ चित्रशैली, जैसलमेर चित्रशैली, या उदयपुर चित्रशैली। तो दोस्तों, जो मूमल चित्र है ये आपका है वो जैसलमेर चित्रशैली का प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही जवाब होगा। सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित सबसे बड़ी वेधशाला कौन सी है? उज्जैन, जयपुर, बनारस, मथुरा। तो दोस्तों, जो सवाई जयसिंह हैं इन्होंने है वो टोटल 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, तो उसमें सबसे बड़ी कौन सी है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर दूसरा जयपुर होगा। जयपुर में जो वेधशाला है वो सबसे बड़ी है, इन्होंने 5 वेधशालाएँ बनाई थी। आप अगर इनको अगर ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो शॉर्ट ट्रिक है DJBUM, DJ बम, दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन और मथुरा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है? झालावाड़, सिरोही, बांसवाड़ा, माउंट आबू। तो दोस्तों, जो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है ये माउंट आबू में होती है, ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही जवाब होगा। और यहाँ पे जो वर्षा है ये लगभग मान के चलिए आप 120 से 140 सेंटीमीटर के मध्य होती है, जो कि राजस्थान में सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है, घूमर नृत्य राजस्थान में सर्वाधिक किस त्यौहार पर किया जाता है? गणगौर, आखा तीज, करवा चौथ, रक्षाबंधन। तो दोस्तों, ये जो घूमर नृत्य है जिसे राजस्थान का राज्य नृत्य भी कहा जाता है ये गणगौर पर सर्वाधिक किया जाता है, और गणगौर है वो चैत्र माह में मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, गांगे डॉल्फिन जानी जाती है राष्ट्रीय पक्षी के रूप में, राष्ट्रीय पशु के रूप में, राष्ट्रीय जलचर के रूप में, राष्ट्रीय कछुए के रूप में। तो दोस्तों, जो गांगे डॉल्फिन है ये राष्ट्रीय जलचर के रूप में जानी जाती है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही जवाब है, और इसको है वो 2009 में राष्ट्रीय जलचर जीव का दर्जा दिया गया था। ये सर्वाधिक है वो गंगा नदी में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस पशु को राष्ट्रीय विरासत पशु नेशनल हेरिटेज एनिमल घोषित किया गया है? बाघ, बब्बर शेर, एशियाई हाथी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो राष्ट्रीय विरासत पशु है ये है वो एशियाई हाथी को घोषित किया गया, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही जवाब है, और इसे है वो 2010 में
राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा दिया गया और राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है। अगला क्वेश्चन और आज की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से असुमेरित है, कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है, हरियाली अमावस्या श्रावण कृष्ण अमावस्या को कहते हैं, दीपावली कार्तिक कृष्ण अमावस्या को और होली फाल्गुन कृष्ण अमावस्या को मनाई जाती है। तो दोस्तों इसमें से असुमेरित की बात करें तो ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही जवाब होगा, क्योंकि होली है वो अमावस्या को नेह करके पूर्णिमा को मनाई जाती है। तो दोस्तों ये थी एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जिसमें राजस्थान जीके से संबंधित टोटल है वो आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सॉल्व करवाए गए हैं। इसी तरह की महत्वपूर्ण श्रृंखला प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल शिक्षा संकल्प को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, फिर से मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।